गाड़ियां यहाँ पर आई हैं। दिल्ली में आज सुबह दो जगह भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। दिल्ली के आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें अग्निशमन अभियान में 6 दमकल कर्मी घायल हो गए और घायलों को बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में भीषण आग की दो घटनाएं सामने आई हैं। पहली आग की घटना आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया से है, जबकि दूसरी आग की घटना आजाद मार्केट की है। पहली घटना के मुताबिक आज सुबह करोलबाग के करीब आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं आग बुझाने के प्रयासों में 6 दमकल कर्मी भी झुलस गए। वहीं दूसरी घटना दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके की है, जहां 5 दुकानों में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें, दिल्ली फायर सर्विसेज के डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने कहा कि आजाद मार्केट की कुछ दुकानों में आज लगी आग पर दमकल की 20 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग 3 इमारतों में फैल चुकी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।